कॉफी विद शेयर गुरु। दोस्तों इस एपिसोड में बात करते हैं, 1 फरवरी को इंटीरियम बजट पेश किया जाएगा जिसको हम यूनियन बजट बोलते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली क्योंकि अब इलेक्शन ईयर है, अप्रैल में इलेक्शंस होंगे, मई 16 से पहले नई गवर्नमेंट पावर में आएगी और जो बजट प्रेजेंट किया जाता है इट इज नॉट गोइंग टू बी अ फुल फ्लेज्ड बजट, सो इट इज नोन एज इंटीरियम बजट। इंटीरियम बजट का मतलब ये होता है दैट द गवर्नमेंट हैज टू कीप ऑन गोइंग। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरीज मिलती रहे टाइम पे, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट है या जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो हैम्पर नहीं होने चाहिए, उनको पेमेंट्स लगातार मिलनी चाहिए। तो जो सैलरीज होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को वो भी टाइम पे मिले, तो इसलिए हम कहते हैं कि गवर्नमेंट हैज टू कीप ऑन गोइंग, देयरफॉर इनफैक्ट इट इज टर्म्ड एज इंटीरियम बजट। बजट में बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, ए और बी। ए पार्ट में जब फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो बात करते हैं कि हमारा लास्ट ईयर की जो हमने बात की थी उसमें हमने क्या अचीवमेंट्स की, और उसके बाद फिर वो अगले साल का प्रोजेक्शंस देते हैं। ये तो होता है पार्ट ए में। पार्ट बी में आता है आपका ड्यूटीज, जहां पे आपकी कस्टम्स ड्यूटीज हैं, टैक्सेशन में आप क्या रेट चेंज करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं कि ये जो बजट है, इस साल का जो इंटीरियम बजट है जो 1 तारीख को पेश किया जाएगा, वो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली नहीं पेश करेंगे, इसको पीयूष गोयल पेश करेंगे। दिस वॉज द रीजन बिकॉज अरुण जेटली इज इन द यूएस फॉर हिज मेडिकल ट्रीटमेंट। आपने देखा कि लास्ट टाइम भी जब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए थे तो ये जो पोर्टफोलियो था ये पीयूष गोयल देख रहे थे। तो ये जो बजट होगा पार्लियामेंट में ये पीयूष गोयल इसको प्रेजेंट करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि एक आम आदमी जो होता है उसको बजट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब वो जो रेलेवेंस होता था उस जमाने में कि फ्रिज महंगा हो जाएगा, गाड़ियां महंगी हो जाएंगी, अब वो सारा कुछ खत्म हो गया, क्योंकि उस जमाने में ड्यूटीज चेंज होती थी तो वो सोचता था कि अरे बजट आने से पहले ही मैं इसको ले लूं। लेकिन अब इट हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस फॉर द रीजन, क्योंकि अब वो सारा जो एक देते, क्योंकि आपके बजट में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप हर साल अपनी ड्यूटीज को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर यह देखते हुए जो एक आम आदमी है उसको फिस्कल डेफिसिट से कोई लेना देना नहीं। तो आम आदमी बोलता है कि मुझे ना फिस्कल डेफिसिट से लेना है, फिस्कल डेफिसिट का सिर्फ जो रेलेवेंस है वो खाली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को होता है। तो यहां पे मैं कहूं कि कॉर्पोरेट्स भी ये चाहते हैं कि फुल फ्लेज्ड बजट पेश किया जाए, क्योंकि अभी भी जीएसटी विच द वे इट हैज बीन इंप्लीमेंटेड हैज बीन अ बिग सक्सेस, लेकिन आज भी वो चाहते हैं कि कुछ उसमें उसकी जो ड्यूटीज वो जो रेट्स हैं रेट्स में कुछ चेंजेस हो। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है जब आप पार्लियामेंट में देते हैं, इट कैन बी एन इंटीरियम बजट, इट कैन बी अ फुल फ्लेज्ड बजट। तो यहां पे मैं कहूंगा कि बजट के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दिया जाए। मीडिया इसको बहुत ज्यादा हाइप करती है, न्यूज़पेपर्स इसको हाइप करते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि बजट इज समथिंग लाइक अ रिपोर्ट कार्ड। एक जैसे बच्चे को स्कूल में रिपोर्ट कार्ड मिलती है उसके परफॉर्मेंस के ऊपर, वैसे ही यूनियन बजट इज ऑल्सो परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, कि आपके पास टोटल रेवेन्यू कितना आया और टोटल एक्सपेंडिचर आपका कितना हुआ और फिस्कल डेफिसिट आपका कितना हुआ, कितना आप बोरोइंग्स करेंगे। तो यहां पे जैसे मैंने कहा कि दिस इज ऑल टोटल सम टोटल है बजट का, और इंटीरियम बजट को देखते हैं जिस तरीके से पीयूष गोयल क्या करते हैं और क्या कोई मेजर चेंजेस भी उसमें लेके आते हैं। दोस्तों एक बात और बता दूं कि सुर्खियों में यह कहा जाता है कि इनकम टैक्स में थ्रेशहोल्ड लिमिट 2.5 लाख से 5 लाख की जाएगी, लेकिन मेरे को इसकी उम्मीद पर्सनली बहुत कम लगती है, क्योंकि इतना मैसिव चेंज फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख ये वाले बजट में नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो यहां पे कुछ विवाद भी हो सकते हैं, तो यहां पे ये पॉसिबिलिटी मुझे बड़ी कम दिखाई देती है। दोस्तों अब बात करते हैं इंटीरियम बजट के बाद कि मोस्टली कॉर्पोरेट्स जो लोन्स लेती हैं बैंक से और जब उनका हाई डेट होता है तो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, सुर्खियों में पढ़ते हैं कि कंपनीज जो कॉर्पोरेट्स हैं पर्टिकुलरली प्राइवेट साइड में वो कन्वर्ट करते हैं अपने डेट को इक्विटी में। तो बड़ा अच्छा तरीका है ये करती कंपनीज के लिए कि जो आपने डेट लिया है वो आपको पे नहीं करना है तो आप उसको इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इसके दो पहलू को इसके ऊपर नजर डालें और इसको देखा जाए कि इसके क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स। तो यहां पे सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि बैंक्स हैव टू बी मोर केयरफुल कि जब भी वो अपना पैसा लोन्स देते हैं तो उनका आइडिया एज अ प्रमोटर आने का नहीं होता है, उनका आइडिया बैंक्स का ये होता है कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, लोन्स दे रहे हैं, लोन्स जब डिस्बर्स देते हैं तो हम इक्विटी के इससे नहीं ले रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि आप पैसा वो इंटरेस्ट हमें टाइम पे दें। तो यहां पे बैंक का सबसे पहला नजरिया ये है कि जब आप लोन्स को डिस्बर्स करते हैं तो आप ये देखें कि इट इज बीन प्रॉपरली यूटिलाइज बाय द कंपनी, प्रॉपरली यूटिलाइज होने के बाद समय के ऊपर वो कंपनी आपको इंटरेस्ट पेमेंट करती है। तो ये जब होता है तो फिर आप इस सिचुएशन में नहीं आएंगे कि अब आप बात कर रहे हैं कि डेट को इक्विटी में आप कन्वर्ट करें।
इक्विटी में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो एक चीज मानिएगा दोस्तों कि इक्विटी में ग्रेटर पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो आप विनर होंगे या लूजर होंगे, या तो आपका पैसा आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा, नहीं तो आपका पैसा आप लूज कर जाएंगे। तो इक्विटी जो होता है, इक्विटी होल्डर जो होता है वो रेडी होता है इस रिस्क को लेने के लिए। लेकिन यहां पे जब आप कन्वर्ट करते हैं डेट टू इक्विटी तो ये एक ऐसी हालत हो जाती है कि आपको ये पता है कि अब ये पैसा हमें मिलने नहीं वाला है, तो बैंक्स भी ये बोलती हैं कि चलिए इसको इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं, थिंकिंग कि अगर इक्विटी लेने के बाद कोई दूसरा आदमी मैनेजमेंट में चेंज होती है और उसके बाद अगर वो कंपनी ठीक ठाक चल जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट हमारे को इक्विटी की कोई वैल्यू मिलेगी, जहां पे हमारा पैसा तो अभी पूरा डूबा हुआ है। तो ये एक पॉसिबिलिटी के ऊपर होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बैंक ऐसी सिचुएशन में आती ही क्यों है? सबसे पहला ये होता है कि जब आप पैसे को डिस्बर्स करते हैं तो सी टू इट दैट द मनी इज बीइंग प्रॉपर्ली यूटिलाइज। आपका चेक्स एंड काउंटर चेक्स बहुत जरूरी है होने के लिए, और देखिए कि आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स वेल ऑन टाइम मिल रही है, रादर देन गेटिंग ऑन टू अ सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन पे आप आते हैं कि कंपनी बोल रही है कि हम डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं और आप ये एजम्पशन पे चल रहे हैं कि अगर आपने वो इक्विटी ले ली, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में चली गई, आ गई, टर्न अराउंड स्टोरी अगर हो गई, तो उसमें यह होगा कि हमारे को इस इक्विटी की कोई वैल्यू मिलेगी जो आज हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जो नजरिया है दोनों तरफ का, ये बिल्कुल गलत है। मैं ऐसा मानता हूं कि बैंक्स को इस स्टेज पे आना ही नहीं चाहिए, और मैं इसके पर्सनली ऐसे फेवर में नहीं होता हूं। बैंक शुड परफेक्टली फंक्शन नॉट एज अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी, क्योंकि हमने पैसा लोन आपको दिया है और लोन के ऊपर हमारे को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और दैट इज व्हाट आवर अर्निंग्स आर गोइंग टू बी। सो अल्टीमेटली बैंक शुड ओनली कन्फाइन देमसेल्व्स और डिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स ओनली टू दिस पार्ट। दोस्तों अब बात करते हैं वेदांत ग्रुप के बारे में, वेदांता के बारे में, जो जहां पे हम बात करेंगे अनिल अग्रवाल के ऊपर। दोस्तों वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेसमैन, मेरा ऐसा मानना है कि देखिए तकदीर के बादशाह हैं, और यहां पे स्क्रैप डीलिंग में दो इंसानों ने अपनी जीवन की शुरुआत की। वन वाज स्वराज पॉल ऑफ द कैपारो ग्रुप एंड सेकेंड ऑफ कोर्स वाज अनिल अग्रवाल। और स्क्रैप डीलिंग के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी ग्रोथ की, जिस तरीके से सेसा गोवा को लिया, उसके बाद फिर आयरन ओर में गए, उसके बाद फिर उन्होंने मद्रास आर्मी इंडिया बालको को लिया, व्हाट अ ट्रिमेंडस थिंग। उस जमाने में जब डिसइन्वेस्टमेंट हुई थी एंड गवर्नमेंट वॉज लुकिंग एट डिसइन्वेस्टिंग बालको, नो फॉरिन कंपनीज, वेदर दैट टाइम अल्कोवा था, अल्कांस था, अल्मीनियम पेशीने था, नन ऑफ दीज गाइज वर लुकिंग एट इंडिया, क्योंकि इंडिया की कुछ स्टोरी अलग थी। एक उनका जो परसेप्शन था इंडिया का वो बड़ा डिफरेंट था। दीज कंपनीज लुकिंग एट इंडिया वॉज विद अ डिफरेंट परस्पेक्टिव। तो यहां पे इन्होंने बिड किया। बिड के टाइम में उनके फाइनेंशियल जो सीएफ होते वो कहते हैं सर कैसे बिड करेंगे, हमारे पास रिजर्व में इतना पैसा नहीं है। और देखिए कि क्या क्रेडिबिलिटी थी इस इंसान की कि जब उन्होंने बैंक लोन्स के लिए अप्लाई किया तो उनको जो लोन उन्होंने अप्लाई किया था उससे ज्यादा उनको पैसा बैंक्स ने ऑफर किया। तो ये एक होती है कि आप क्रेडिबिलिटी क्रिएट करते हैं। और उसके बाद फिर आप देखिए कि उसके बाद देन ही वेंट इन फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन। केन्स को उन्होंने खरीदा, केन्स वॉज अ स्कॉटिश कंपनी विच डिड द एक्सप्लोरेशन, और बार्मर में उनके फील्ड्स थे, तो उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि इस केन्स उसको बेच रहा है तो हम इसको खरीदेंगे, इन्होंने इसको खरीदा। तो देखिए ओवरऑल जो उनकी जो ग्रोथ हुई वॉज अ फैंटास्टिक ग्रोथ। जेलीफिल केबल्स में गए, फाइबर ऑप्टिक्स में गए, और उसके बाद फिर देन ही गॉट इनटू मेटल्स, ही बॉट ओवर हिंदुस्तान जिंक। लेट मी टेल यू इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स एज फार एज द ह्यूमन बींग्स आर कंसर्न। मेरा ऐसा मानना है इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स द वे इन फैक्ट आई मीन ही इज डन। और इसके तीन कारण है दोस्तों कि वाई इन फैक्ट आई मीन इट्स सच अ बिग ग्रुप व्हेन वी से कि वेदांत में वेदांता ने इतना एक्सीलेंटली किया है, एंड पर्टिकुलरली अनिल अग्रवाल जो इसके प्रमोटर है। इसके दो तीन कारण है दोस्तों कि यहां पे कोर कॉम्पिटेंस की थ्योरी कहती है कि जब आप एक ही बिजनेस में रहते हैं तो आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चलता है, बट प्रोवाइडेड ऑफकोर्स आई मीन लेट मी टेल यू मेटल्स का जो बिजनेस है इट इज ऑलरेडी दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू साइकिल्स। आपके पास अप साइकिल है, डाउन साइकिल है, लेकिन अनिल अग्रवाल कभी डिविएट नहीं हुए, हमेशा कोर बिजनेस में रहे, मेटल्स में ही रहे, कंसिस्टेंसी रही, उसी में एक्सपेंशन किया, लेकिन उसके बाद साइकिल्स को भी उन्होंने झेला and he had that capabilities to you know face the up cycle and the down cycles. तो यहां पर सबसे बड़ी उनकी credibility है कि जो उन्होंने create की कि कहीं पर भी दूसरे businesses में नहीं गए, सिर्फ core competence में रहे कि मैं बस metals में ही रहूंगा, and that is the core theory of his success. And what a fantastic success story of Anil Agarwal of the Vedanta Group. दोस्तों यहीं पर करते हैं इस episode को समाप्त। Next episode में मिलेंगे, तब तक के लिए goodbye. Thanks a lot.